Okay. अलवर लोकसभा के इस चुनाव में यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी राजस्थान सरकार के मंत्री मेरे बड़े भाई डॉक्टर जसवंत यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हमारे बड़े भाई भजन लाल जी, राजस्थान सरकार के मंत्री हेम सिंह बढ़ाना जी, यहाँ के विधायक जिनको मैं कहूंगा लोकप्रिय विधायक मामन सिंह जी, भिवाड़ी के चेयरमैन मेरे भाई संदीप दायमा जी, यहाँ के प्रधान टीटू भाई, हमारी बहनें और यहाँ पे यहाँ के सरपंच मकसूद जी, हमारे बुजुर्गों नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आपने हमारा जो खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस दिन जसवंत जी ने नामांकन भरा था, टिकट लेके तो अकेले आए थे, तो उसी बात पे कि मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवा बनता गया। ये जो कारवा बना है, जो हजारों की तादाद में जिस दिन नामांकन भरा था और जिस तरीके से पूरे एरिया के अंदर हजारों की तादाद में लोग समर्थन दे रहे, उससे ये बात तो तय है कि बाबा चांदनाथ 2,80,000 वोटों से जीते थे, लेकिन जसवंत यादव जी का जब रिजल्ट आएगा, बहुत से खुशफुस कर रहे हैं कि कौन हीरो है, ये अमीन पठान है, हज कमेटी का चेयरमैन है, जो हाजियों को भेजता है, जो हाजियों की लॉटरी निकालता है, कुछ को पता है कुछ को नहीं, यही खुशफुस कर रहे थे। ये क्रिकेट जगत का अपने आप में ताकतवर आदमी है, जो दुनिया में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनका सिलेक्शन भी यही करता है, ऐसा आदमी जो हज पे भेजता हो नौजवान जिनको क्रिकेट के लिए सेलेक्ट करता हो, इसका नाम है अमीन पठान और राज्य मंत्री राजस्थान सरकार में। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि बाबा जो थे वो तो मेव एरियो में आए भी नहीं थे, उसके बावजूद भी 2,80,000 वोटों से जीत गए थे। तो मैं आपको जिस तरीके से मुझे इस अलवर की फिजा के अंदर दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर जसवंत यादव का माहौल, उससे तो ये लग रहा है कि आप देखते होगे ना आज तक का चैनल, आज तक देखते हो ना, और बीबीसी लंदन के लिए भी सुना होगा, 2 तारीख को रिजल्ट आएगा जब आज तक तो बोलेगा ही, साथ में बीबीसी लंदन भी बोलेगा कि डॉक्टर जसवंत यादव 5 लाख वोटों से ज्यादा से जीता है। और ये ऐसी उम्मीद पूरे एरिया के अंदर जब देख रहा हूं तो ऐसी दिख रही है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कांग्रेस ने इस देश के मुसलमानों को हमेशा जिस तरीके से हम चाय पीने का आजकल डिस्पोजल गिलास चल रहा है ना, चाय पी के फेंक देते हैं, कांग्रेस ने देश के मुसलमानों को, मेवों को, सबको डिस्पोजल गिलास की तरह यूज किया है, चाय पी और फेंक दिया। इसी तरीके से कांग्रेस जब चुनाव आते थे तो मुसलमानों को गले लगा लेती थी, मुसलमानों को कभी जनसंघ के नाम से, कभी भाजपा के नाम से, कभी आरएसएस के नाम से डराती थी और डरा डरा के वोट लिए। और आज हम देखते हैं कि 70 साल के बाद देश के मुसलमानों का, देश के मेवातियों का जो हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ना हमारे पास तालीम है, ना हमारे पास शिक्षा है, एजुकेशन नहीं है, रोजगार नहीं है, हमारे नौजवानों को टायर की दुकान पे काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, बेलदारी करनी पड़ती है, ड्राइवरी करनी पड़ती है, इन सब के लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी का तो जब जब राज आया उसने हमेशा मुसलमानों की बेबुदी और फलाह के लिए काम किया। सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि जब देश के राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब को बनाया गया था तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। आपको पता होगा ना, एक मुसलमान को देश का राष्ट्रपति किसने बनाया था? उस मुसलमान को देश का राष्ट्रपति किसी ने बनाया था तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने एक मुसलमान को देश का राष्ट्रपति बनाया था। और ये कांग्रेस वाले कह देते हैं
भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों का काम ही नहीं करती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे साथ हमेशा इस कांग्रेस ने हमेशा बांटने का काम किया है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इनकी बातों में हमको नहीं आना है। मैं जब राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार नहीं थी, एक डिबेट के अंदर गया था, कांग्रेस के एक मंत्री थे, मेरे को भी जाके बैठने का मौका मिला था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए कि राजस्थान के अंदर चाहे मेवात के मुसलमान हो या बॉर्डर पे जो सिंधी मुसलमान रहते हैं उनके लिए कांग्रेस ने क्या किया। तो उन मंत्री जी का क्या कहना था कि भाई वो मेवात के लोग तो वो तो ऐसे ही है, वो तो पढ़ना ही नहीं चाहते, वो कुछ काम ही नहीं करना चाहते। अरे तुम्हारी जिम्मेदारी तो बनती थी कि तुम उनको शिक्षा देते, एजुकेशन देते, रोजगार देते, तुमने क्यों नहीं किया। ऐसे मुसलमानों को जो देशभक्त थे, इस हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे, जब देश की आजादी हुई, देश का पार्टीशन हुआ, कायदे आजम जिन्ना साहब ने कहा ए हिंदुस्तान के मुसलमानों पाकिस्तान आ जाओ, ये पाकिस्तान मुल्क बन गया है, ये पाकिस्तान मुल्क मुसलमानों का है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं मेवात के मुसलमानों के लिए, इस हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए। उन्होंने जिन्ना साहब से कह दिया था, जिन्ना साहब वो पाकिस्तान तुम्हारा मुल्क होगा, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, इसकी मिट्टी से हम मोहब्बत करते हैं, यही हमारा मुल्क है, यही हमारा देश है। ऐसे मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोगों के साथ कांग्रेस ने क्या किया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये वक्त आ गया है, सरकार इससे बदलने वाली नहीं है, लेकिन हमको हमारी बेहबूदी के लिए, हमारी फलाह के लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमारी शिक्षा के लिए देख के और डॉक्टर जसवंत यादव को जिताना है। ये जाएंगे तो निश्चित तौर पे दिल्ली के अंदर मोदी जी का भी हाथ मजबूत करेंगे। मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री है जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो किसी एक बिरादरी की बात नहीं करते, वो किसी एक जात की बात नहीं करते, वो देश में रहने वाली 36 बिरादरियों को साथ लेके चलने की बात करते हैं। राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी वो भी 36 कौमों को साथ लेके चलने की बात करती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने वोट की ताकत को समझो। डॉक्टर करण सिंह जीत जाएगा तो क्या करेगा, उसकी थनका चालू हो जाएगी, दिल्ली में जाके बैठ जाएगा, कोई काम करने वाला नहीं है, क्योंकि राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी ताकत को, अपने वोट को समझो, कांग्रेस के बहकावे में मत आओ। ये आएंगे कई तरह की बात करेंगे, अभी एक बीच में इन्होंने एक नकली वीडियो चला दिया था कि डॉक्टर जसवंत कह रहा है कि मुझे तो मेवों के वोट ही नहीं चाहिए। अरे मेवों के वोट नहीं चाहिए तो मैं इनके साथ पिछले 10-15 दिन से घूम रहा हूँ, मेवातियों के यहाँ पे जाते हैं तो गले लगाते हैं, सबके साथ बैठते हैं, सभी धर्म सभी मजहब के लोगों को, 36 बिरादरी के लोगों को गले लगा के चलने वाले आदमी का नाम है डॉक्टर जसवंत यादव। इनकी मैं नहीं कहूंगा, इनको आप पहले से जानते हैं, ये आपके बीच में पहले से आते थे। बस मैं तो ये कहना चाहूंगा क्योंकि इस बार ये वोट है, पूरी दुनिया के अंदर मैसेज जाना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री अटल जो नरेंद्र मोदी है, जिनके लिए आबू धाबी के स्टेडियम में, जिनके लिए सिडनी में अमेरिका के अंदर जब वो जाके भाषण देते हैं तो लाखों लोग वहां पे भारत माता की जय करके भारत के गौरव को बढ़ाते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ के जो भी काम हो, जसवंत जी यहाँ पे बैठे हैं, राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी की सरकार है, हम लोग भी आपसे वादा कर रहे हैं कि यहाँ के कामों के लिए, यहाँ के विकास के लिए, मेवात के विकास के लिए, अलवर लोकसभा के विकास के लिए हम सब लोग मिलके, अगला लोकसभा चुनाव आएगा उसके पहले यहाँ पे कोई भी काम बाकी नहीं रहेगा, ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। ये डॉक्टर साहब भी यहाँ पे वादा करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, हमारे मेवाती भाइयों से भी, हमारे मुस्लिम भाइयों से भी, और समाज और धर्म के लोगों से भी, क्योंकि लोग इस तरह की बातें भी करते हैं कि भाई एक को तो जयपुर रहने देंगे, एक को दिल्ली भेज देंगे, अगर तुम्हारे बाप का राज चलता है तुम भेज दोगे, तुम कर दोगे। जनता ने तय कर लिया है कि डॉक्टर जसवंत यादव दिल्ली ही जाएगा और देश की सरकार के अंदर मंत्री बनेगा। तो मैं आपसे मेरे बुजुर्गों दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि आप हम सब लोग जो आए हैं, वसुंधरा जी ने मुझे भी बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत विश्वास के साथ भेजा है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम सबकी आप लोग लाज रखना। हम सब लोग जो मेहनत कर रहे हैं, आपने यहाँ से बिठा के इतना बड़ा जुलूस निकाला है, आपने सबको सांपे बनाए है, जब यहाँ की पेटियां खुले तो वो पेटियां भी उसी तरीके से मान और सम्मान के साथ खुले जब इज्जत रहे डॉक्टर जसवंत यादव की और इस गांव के तमाम लोगों की। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 29 तारीख को आप लोग सब काम छोड़ के जो लोग गुमराह हो गए हो उनको भी आप लोग समझाना, कांग्रेस बीजेपी की बात करे उनको भी समझाना,
आप कभी वसुंधरा जी का चेहरा देख लेना और कभी डॉक्टर जसवंत यादव का चेहरा देख लेना और वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देना। बस मैं यही कहना चाहूंगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। हम सबकी यह रजा है कि डॉक्टर जसवंत यादव 5 लाख वोटों से ज्यादा जीतना चाहिए। अगर आप सब लोग राजी है तो हाथ ऊंचा करके अपनी बात के लिए यकीन दिलाएं। बाबा आप भी हाथ ऊंचा करो, सब लोग हाथ ऊंचा करके लगाओ, डॉक्टर जसवंत यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, जय भारत जय। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद अमीन पठान जी। अब मैं, हमारे बीच मौजूद